हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आलू छोले की सब्जी सिंपल तरीके से किस प्रकार से बना सकते हैं अपना अनुभव शेयर करूंगी। उसके लिए हमें टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और कुछ मसाले चाहिएंगे। इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। अभी मैं करती हूँ। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब मिक्सी में डाल लिए। अब हम इनको पीस लेंगे, गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। दरदरा, थोड़ा, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा दरदरा रखना। ये हमारा मसाला पीस तैयार हो चुका है। इसमें अब हम गैस जलाएंगे, कुकर में बनाएंगे इसको। कुकर का पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए, गीला होता है कई बार, तो नहीं तो घी के छींटे लगेंगे। अब इसमें हम देसी घी, छोटे वाले मिडल स्पून है, इसको हम 1.5 स्पून डालेंगे। ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे हींग, जीरा, अजवाइन और मेथी सूखी। घी गर्म हो चुका है, इसमें मैंने हींग, जीरा, मेथी और अजवाइन चारों चीज मिला दी। अब इसको हम इसमें घी में डाल देंगे। ये अच्छी तरह तड़क जाएगा, तब इसमें हम पहले डालेंगे पिसा हुआ धनिया सूखा। ये अच्छी तरह से हो जाए तो इसमें डालते हैं। आलू छोले की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया और स्वाद अनुसार लाल मिर्च। ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी पिसी हुई है। ये हो चुका हमारा, अब इसमें हम डाल देंगे जो मसाला हमने पीसा हुआ था। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, किसी को में सब्जी मसाला डालना हो तो सब्जी मसाला डाल सकते हैं साथ साथ, लेकिन मैं सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया डाल के ही इसे बनाऊंगी। अब इसको हम पकने देंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ देता मसाले को। छोलिए हमने धो लिए थे अपने ग्रीन छोलिए, अब इसको हम थोड़ा सा मिक्सी में, बिल्कुल साबुत है, इनको सिर्फ एक ग्राइंड करेंगे, एक बार मशीन चलाएंगे ताकि ये थोड़े से टूट जाएं। ये हमारे छोलिए जैसा हम करना चाह रहे थे वैसे हो गए, ना बिल्कुल बारीक ना बिल्कुल साबुत, मीडियम साइज के ग्राइंड कर लिया है। अब मसाले को देखते हैं, अच्छी तरह से बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसको रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं और साथ में बकरे का रायता हो तो वेरी टेस्टी। मसाला लगभग तैयार होने वाला है। मसाला लगभग होने वाला है, अब इसमें हम पहले डालेंगे छोले जो हमने पीसे हुए थे।
ग्रेवी वाली सब्जी बनती है ये। तो मिक्सी को धो के भी डाल देंगे पानी को। अब इसमें डाल दिया आलू, और इसमें हम थोड़ा मिक्सी में धो के पानी डाल देंगे। पानी मैंने ले लिया, इसको मिक्सी के ढक्कन को इस पर अच्छी तरह से, ताकि जो इसमें चने लगे हुए हैं वो सारे पानी में साफ हो जाएंगे। अब ये पानी इसमें डाल देते हैं। ज़्यादा पतली बनानी है ग्रेवी तो पानी और डाल देते हैं, और थिक बनानी है तो हम सिर्फ इतना ही पानी रखेंगे। बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें नमक नहीं डाला था हमने, नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, कम ज़्यादा जैसा भी आप लोग खाते हैं वैसा डाल के बनाएं। अब हम इसमें पानी डाल दिया, हर चीज़ डाल चुके हैं। अब इसमें हम दो या तीन सीटी लगाएंगे ऊपर को, कुकर को बंद कर देते हैं और फ्लेम को तेज कर देते हैं। अब इसमें तीन चार मिनट बाद सीटी लगेगी, दो तीन सीटी लगा के फिर देखते हैं। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, देखते हैं कैसी बनी है। कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा गरम मसाला और इसको कट करेंगे, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और हमारी सब्जी तैयार है। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई करना, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।